आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 7B का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप लोगों ने कई पार्ट में 7A को पढ़ा, पूरा डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आप लोगों ने विलोपन, प्रतिस्थापन और सारणी विधि को जाना। तो अब उसी में से किसी एक विधि का प्रयोग करके, तो खास तौर पर विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे, तो विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे और ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो 7B में अब आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि इसमें वार्तिक प्रश्न है, इसको वार्तिक प्रश्न कहते हैं, जो हिंदी में लिख के दिए होंगे। तो इसको पढ़ के पहले आप लोग समीकरण बनाएंगे, दो समीकरण, और फिर उसको हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरी बातें जब आप लोग एक एक बातें ध्यान से सुनेंगे, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, तभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। जो चीज़ बोला जाता है उसको आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या कहा जा रहा है, तभी सारी बातें आप लोग समझ पाएंगे। तो इसमें देखिए करते क्या हैं, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें हमेशा आप लोग दो चर मानेंगे, युगपत समीकरण आप लोग पढ़ रहे हैं तो दो चर मानेंगे, एक एक्स मानेंगे, एक वाई मानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जब मानने के बाद अगले स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, दोनों को क्वेश्चन में दो शर्त दिए होंगे, क्वेश्चन में हमेशा दो शर्त दिए होंगे, दोनों शर्त को ध्यान से पढ़ के और दो समीकरण बनाएंगे। आप लोग जानते हैं युगपत समीकरण में हमेशा दो समीकरण रहता है और तभी दोनों को हल किया जा सकता है। तो इसमें हमेशा दो चर मानेंगे और दोनों चर मानने के बाद दो शर्त दिया होगा, दोनों शर्त के अनुसार दो समीकरण बनाएंगे और फिर दोनों समीकरणों को हल करके दोनों चरों एक्स और वाई का मान निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करना है, ध्यान से आप लोग बात को सुनेंगे और समझेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं बताइए। देखिए कैसा, कितना अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, मतलब दो ऐसी कोई संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 24 होता है, और शर्त क्या दिया, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। दो गुना का मतलब क्या होता है, दो गुना का मतलब उसका डबल, तीन गुना कहेगा तो ट्रिपल। जैसे मान लीजिए अगर दो का हम गुना कहा तो चार होगा, अगर चार गुना कहा मतलब चार का दो गुना कहा तो उसका डबल, मतलब चार का डबल 8 हो जाएगा। अगर 10 का हम दो गुना कहा तो 20 होगा, ऐसे मतलब उसका डबल को दो गुना कहते हैं। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो देखिए दो संख्याएं कर रहा, हमेशा पहले हमने बताया कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक को एक्स मानना है, एक को वाई मानना है चर में। तो यहां लिखते हैं, ध्यान से आप लोग बात को सुनते जाइए और क्वेश्चन देखते जाइए कैसे सॉल्व हो जाता है। माना दो संख्या कर रहा, तो माना एक संख्या बराबर एक्स दूसरी संख्या बराबर वाई। हमने आप लोगों को पहले स्टेप में क्या कहा है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो पहले दो चर मान लेंगे, एक को एक्स एक को वाई। तो हमने मान लिया, देखिए दो संख्या कहा था, एक संख्या x दूसरी संख्या y। फिर हमने क्या कहा है, अगले स्टेप में दो शर्त क्वेश्चन में दिए होंगे, जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें दो शर्त दिए हैं, तो दोनों शर्त से एक एक समीकरण बन जाएगा, यानी कि दो समीकरण बनेंगे, फिर समीकरण को सॉल्व करना है। इससे पहले जैसे आप लोगों ने पढ़ा था तो समीकरण दे दिया रहता था दो, एक को पहला एक को दूसरा मान के डायरेक्ट सॉल्व करते थे। इसमें समझिए ये दिया है समीकरण, इसको पहले पढ़ के समीकरण बनाना है, फिर सॉल्व करने की प्रक्रिया पहले जैसी होगी।
तो हमने सबसे पहले दो संख्या दिया, एक को x एक को y मान लिया, हमको पता नहीं है वो संख्या क्या होगा, यही x और y का मान निकाल देंगे वही हमको संख्या पता होगा। तो देखिए अब हमने बताया जब मान लेंगे तो दो शर्त दिया होगा, दोनों से दो समीकरण बनाएंगे। तो देखिए कह रहा है शर्त, यहां ध्यान देंगे क्वेश्चन में छुपा होगा, दो संख्याओं का योग 24 है, पहले अब यहां लिख लेंगे, पहले शर्त के अनुसार, मतलब पहला शर्त क्या कह रहा है उसको देखेंगे, पहले शर्त के अनुसार लिख लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 24 है, योग मतलब जोड़, दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या होगा 24 होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको मैथ के भाषा में, देखिए एक संख्या हमने मान लिया था x और दूसरी संख्या y, कह रहा दो संख्याओं का योग 24 है, तो हम लोग पहले शर्त के अनुसार देखिए एक शर्त मिल गया, यानी कि x और प्लस y बराबर 24। ध्यान दीजिए, पहले हमने मान लिया संख्या एक को x एक को y, अब देखिए कह रहा दो संख्याओं का योग 24 है, हमने ऐसे लिख लिया दो संख्याएं, दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ कितना है बराबर कितना है 24 है, मैथ के भाषा में हमने इसको लिख दिया। देखिए एक शर्त के अनुसार हमको एक समीकरण मिल गया, मिला इसको मान लेंगे समीकरण एक, कितना इजी है कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं, दूसरा शर्त मिलेगा, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। देखिए दूसरा शर्त दिया, हमेशा क्वेश्चन में दो शर्त दिए होंगे, तो यहां लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार। अब दूसरे शर्त के अनुसार देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है, उनमें से किनमें से जो दो संख्याएं दिया हुआ है एक्स वाई, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, दो गुनी, गुना मतलब गुणा। तो देखिए कह रहा है उनमें से एक संख्या, एक संख्या मान लीजिए एक्स क्या है दूसरी की दो गुनी है, ये जो एक्स है दूसरी संख्या की दो गुनी है, मतलब दो से गुणा हो गया, दो गुना मतलब दो का गुणा कर देंगे। कह रहा है कि उनमें से एक संख्या x था, उनमें से एक संख्या क्या है दूसरी संख्या की दो गुनी है, मतलब ये इसके दो गुने के बराबर है। यहां देखिए अब दो समीकरण हमारा बन गया है, कैसे हम लोग जानते हैं समीकरण में एक्स और वाई को बाएं तरफ लिखते हैं और दाएं तरफ केवल अचर संख्या लिखते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे पूरा इधर कर लेंगे, 2y इधर है तो बराबर की इधर, तो आप लोग जानते हैं इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, x पहले से दिया है और 2y जब बराबर की इधर आया तो प्लस 2y था इधर आया माइनस 2y बराबर, और इधर क्या बचा, जब ये 2y इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा मतलब जीरो बचा, यहां से ये बन गया क्या समीकरण दो। देखिए क्वेश्चन में ही दिया है दोनों समीकरण, दो संख्याएं हमने माना, हमने कहा था कि सबसे पहले क्या करेंगे दो चर मान लेंगे एक्स वाई, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे दो शर्त दिया होगा दोनों से दो समीकरण बना लेंगे, और बाकी का काम समीकरण को हल करना आप लोग जिस विधि से चाहेंगे हल कर सकते हैं, सबसे इजी आप लोगों के लिए विलोपन विधि रहेगा तो विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। अब जब दो समीकरण बन गया तो सारा काम इससे पहले वाला करना है, जैसे कि 7a में आप लोग समीकरण को हल कर चुके हैं, तो देखिए विलोपन विधि से अगर हल करना हो दोनों समीकरण को तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं आप दोनों चरों में से दोनों समीकरण से किसी एक चर को काटना होता है विलोपन विधि में, जो चर बराबर होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो अपने तरफ से गुणा करके हम बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए एक चर बराबर है दोनों में, x x दिया है तो x को काट सकते हैं। अब काटने के लिए हमने बताया था या तो समीकरण को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं,
तो देखिए दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, तो अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, कटेगा नहीं, हमको काटना है। तो अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है। तो देखिए माइनस एक्स होगा, ये प्लस है तो कट जाएगा, यानी समीकरण एक में से दो को क्या करना है, घटाना है। तो लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, अब घटाते हैं, घटाने के लिए दोनों को एक पास लिख लेंगे। अब यहां सॉल्व करते हैं, एक बार ये समीकरण लिखते हैं, x प्लस y इक्वल 24 और x माइनस 2y इक्वल 0। घटाने में जानते हैं हम लोग चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, 0 प्लस और माइनस में तो होता नहीं है, यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे। तब भी आप देखिए प्लस x से माइनस x कैंसिल, यहाँ देखिए 2y अब प्लस में हो गया और 1y, तो दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3y बराबर 0 प्लस और माइनस में होता नहीं है, इसको हटाएंगे, 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 ही रहेगा। हमको वैल्यू निकालना है y का, तो देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, मतलब 3 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो y इक्वल हो जाएगा 24/3, 3 से 24 में भाग कर देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो देखिए हमने y का मान निकाल लिया है 8, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक या दो में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। हमने कहा था कि जो चर माने रहेंगे उसका हल करके मान निकाल देना है, तो लिखते हैं यहां y का मान समीकरण एक या दो किसी में रख सकते हैं, एक में रखने पर, तो देखिए समीकरण एक यहां है, x प्लस y इक्वल, x प्लस y इक्वल 24, y दे दिया है 8, तो x प्लस y के जगह पर 8 लिखेंगे इक्वल 24, x का वैल्यू निकालना है, ये प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस, तो x इक्वल 24 माइनस 8 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 24 में से 8 घटाएंगे तो 16। अब देखिए हमने x y का मान निकाल लिया, हमने जो यहाँ माना था एक संख्या को x माना था, दूसरी संख्या को y माना था, मतलब एक संख्या आ गया कितना 16 और दूसरी संख्या y था तो y आ गया 8। देखिए हमारा आंसर मिल गया, आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक संख्या बराबर 16 दूसरी संख्या बराबर 8, यही आंसर हो जाएगा 16 और 8। अब देखिए क्वेश्चन से एक बार मिलाते हैं, कह रहा दो संख्याओं का योग 24 है, देखिए 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, देखिए एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, 8 दूना 16, तो हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, पहले दो चर मान लेना है, फिर दो शर्त के अनुसार दो समीकरण बनाएंगे और समीकरण हल करना आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अब आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप लोग एक एक बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए, आप लोग आसानी से मैथ लगाना सीख जाएंगे, और आप लोग चैनल को लाइक भी करते रहिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ताकि आप लोग आसानी से घर से पढ़ाई कर सकें, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आगे आप लोग जिस भी क्लास में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग
ध्यान देंगे इस पर। यहां से इसका मेन क्वेश्चन ये बेस शुरू होता है क्लास 8 से, तो इसको आप लोग समझेंगे सही तरीके से। और डेली आप लोगों की क्लास अब चलेगी। हमने कुछ दिनों तक केवल क्लास 7 क्लास 9 पढ़ाया है, अब 8 का भी डेली क्लास चलेगा। तो डेली आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, डेली आप लोगों को शाम को वीडियो मिलेगा। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दो दो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके आप लोगों को आसानी से हम समझाने का कोशिश करेंगे। डेली शाम को आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। पहले तो हमने बताया क्या करेंगे ऐसे वार्तिक क्वेश्चन में, सबसे पहले दो चर मानेंगे। अब इसको देखते हैं हम लोग, दिया दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याएं हमने अभी कहा कि इसको क्या करेंगे, दो चर मान लेंगे कोई एक्स और वाई। तो देखिए कह रहा है छोटी संख्या और नाम करके दिया है, अगर नाम नहीं दिया रहता तो एक संख्या एक्स और दूसरी संख्या वाई मानते, छोटी बड़ी कहा है तो छोटी बड़ी मान लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे क्या, माना बड़ी संख्या बराबर x, हमने दो चर मानना है हमको, एक को मान लिया हमने बड़ी संख्या x और एक संख्या छोटी मान लेंगे, नाम करके दिया छोटा बड़ा तो ऐसे मान लेंगे, छोटी संख्या बराबर y, हमने दो संख्या मान लिया, पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। अब दूसरा क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और दो शर्त दिया होगा क्वेश्चन में, दोनों शर्त के अनुसार दो समीकरण बना लेंगे, फिर बाकी सॉल्व करना है, चर का मान निकालना है। तो देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। अब यहां हम लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार, अब पहले शर्त के अनुसार क्या करेंगे, देखिए दिया है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। पहला शर्त क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कैसे पढ़ के क्वेश्चन को और अंकों में लिखते जाएंगे। देखिए ये हमने कर दिया दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हमने मान लिया था, दो संख्याओं का योग क्या है जो है बराबर के बाद लिखते हैं, कह रहा है देखिए दो संख्याओं का योग क्या है, हम छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, छोटी संख्या के 3 गुने से, देखिए छोटी संख्या है वाई तो छोटी संख्या के 3 गुने से मतलब 3 गुणा, तो छोटी संख्या के 3 गुने से कितना अधिक है, +3, अधिक के लिए प्लस कर देंगे और कम के लिए माइनस कर देंगे, ये ध्यान रखेंगे, अधिक कहेगा तो प्लस, कम कहेगा तो माइनस। तो देखते हैं ध्यान से, कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। हमने एक समीकरण तैयार कर लिया, आप समीकरण को कैसे लिखते हैं आप लोग जानते हैं, एक्स वाई वाला एक तरफ रहता है, केवल जो संख्या अचर अकेले होता है वो एक तरफ रहता है। तो करते हैं 3y को जब इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में होगा, तो लिखेंगे कैसे, देखिए एक्स प्लस वाई पहले से है, 3y बराबर के इधर आएगा तो -3y हो जाएगा इक्वल, यहाँ बचेगा 3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, एक्स वाई में रहने देंगे अचर में रहने देंगे, तो देखिए एक्स 3y है 1y है, देखिए प्लस और माइनस में है तो माइनस में से प्लस घटा लेंगे, बड़े वाले का चिन्ह लगता है 3 और 1 में से 3 बड़ा, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा के 3y में से 1y जाएगा तो 2y बराबर, यहाँ बचा 3, इसको बना लिया हम समीकरण 1, पहले शर्त के अनुसार हो गया। अब दूसरे शर्त के अनुसार देखेंगे,
आगे देखिए कह रहा है यदि दोनों का अंतर 5 है, दोनों संख्या का अंतर 5 है, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, तो लिखेंगे क्या, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, दोनों का अंतर 5 है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, अंतर कहते हैं घटाने को, दोनों का अंतर क्या है 5 है, ये देखिए बन गया दूसरा समीकरण। अब जब दो समीकरण हमने बना लिया तो हम लोग जानते हैं विलोपन विधि का प्रयोग करके हल कर देंगे, एक्स वाई का मान निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं दोनों चर में से किसी एक चर को बराबर करते हैं, अगर बराबर नहीं रहेगा तो अपने तरफ से किसी समीकरण में गुणा करके बराबर करेंगे, उसके बाद जोड़ते या घटाते हैं। तो देखिए एक्स बराबर है तो जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, हमको काटना रहता है बराबर वाले को, तो घटाएंगे चिन्ह बदलेगा तो कटेगा। तो लिखेंगे क्या, यहां देखते हैं समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, अब एक में से दो को घटाते हैं तो कैसे लिखेंगे, समीकरण एक यहां लिखते हैं x माइनस टू वाई इक्वल थ्री, समीकरण दो यहां है x माइनस वाई इक्वल फाइव, घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस टू वाई प्लस वाई, एक माइनस एक प्लस, तो घटाते हैं दो, एक में से दो बड़ा उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दो वाई में से एक वाई जाएगा तो एक वाई बराबर पाँच माइनस में तीन प्लस में, जो बड़ा है उसी का चिन्ह, तो माइनस लगा के पाँच में से तीन घटाएंगे, दो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर हो गया दो, एक मान हमने निकाल लिया, छोटी संख्या हमने निकाल लिया है दो, देखिए वाई माना था हमने छोटी संख्या, वाई निकल गया दो, मतलब छोटी संख्या दो। अब वाई का मान समीकरण एक या दो में रखेंगे, एक्स का मान निकलेगा, तो देखते हैं वाई का मान समीकरण एक या दो किसी में रख सकते हैं, एक में रखने पर समीकरण एक यहां लिखते हैं, दिया x माइनस टू वाई इक्वल थ्री, वाई इक्वल टू रखना है तो देखिए x माइनस टू इंटू वाई के जगह पर टू इक्वल थ्री, सॉल्व करते हैं तो x माइनस टू का टू में फोर इक्वल थ्री, हमको x का मान निकालना है, माइनस फोर उधर भेजेंगे तो प्लस, तो x इक्वल थ्री प्लस फोर, तो x का वैल्यू आ गया, देखिए दोनों प्लस में है तो सेवन हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो x का वैल्यू सेवन, y का टू, आंसर क्या लिखेंगे, हमने बड़ी संख्या छोटी संख्या माना था, वही पूछ रहा है दो संख्याओं का एक छोटी, मतलब दोनों संख्या हमको बताना था, संख्याएं बताइए, तो हम लोग यहां आंसर में क्या लिखेंगे, इसलिए बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या हमने देखिए क्या माना है x, x का मान क्या आया सेवन, तो बड़ी संख्या हो गया सात, छोटी संख्या हमने माना था वाई, वाई आया है दो, मतलब यहां लिखेंगे छोटी संख्या बराबर दो, यही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एक एक बात को आप लोग सुन के देखिए समझिए, सारी बातें आप लोग समझ जाएंगे, फिर अगले वीडियो में कल आप लोग अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन देखेंगे इससे आगे का। तो आज के लिए बस इतना ही।